सबसे पहले मनोज आप ही का रुख कर लेती हूँ, क्योंकि श्रद्धा हत्याकांड अभी तक एक पुलिस के लिए बड़ी गुत्थी बनी हुई है, जिसे सुलझाना जिस तरीके से दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, और इसी तरीके का मामला जुड़ा हुआ, इसी का मिलता जुलता एक और हत्याकांड दिल्ली में देखने को मिल रहा है। क्या और अपडेट फिलहाल इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक जो हत्या में हथियार इस्तेमाल किए गए थे वो पुलिस ने उनमें से एक हथियार बरामद कर लिया है। सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि एक से ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल इस पूरे हत्याकांड को देने में किया गया था, जिसमें से एक हथियार पुलिस ने बरामद कर लिया। इतना ही नहीं, जब हत्या कर दी गई थी और फ्रिज में लाश के टुकड़ों को रखा जाता था, उसके बाद घर के अंदर दोनों आरोपियों ने, यानी कि पूनम ने और उसके बेटे दीपक ने, घर में पेंट करवा दिया था ताकि आसपास जो लोग रहते हैं उनको किसी तरीके की बदबू ना आए। तो अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार उनसे पूछताछ चल रही है और पूछताछ में तमाम खुलासे हो रहे हैं, अब कहीं ना कहीं पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि क्या इस वारदात के अंदर वो दोनों ही शामिल थे या उनके अलावा कोई और भी शामिल था। फिलहाल अब से थोड़ी ही देर बाद दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर होने वाली है। खुद स्पेशल सीपी क्राइम रविंद्र यादव जो है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे और उसमें तमाम और खुलासे होंगे कि आखिरकार और क्या वजह थी। जिस तरीके से एक वजह अभी सामने आ रही है कि जो पूरा परिवार था वो अपने पिता से बहुत ज्यादा नाराज था, लगातार उनके जो पिता थे घर में लड़ाई झगड़ा किया करते थे और जो बेटा था दीपक वो घर से अकेला अपनी पत्नी के साथ कहीं और रहता था। तो आखिर और क्या वजह रही होगी और दोनों ने किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया होगा, इसका जो खुलासा है वो अब से थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। जी ठीक है मनोज, आप रहिएगा तो थोड़ी देर में दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसके बाद ये पूरे मामले को लेकर पुलिस के पास आखिर अब तक क्या कुछ लीड है वो तमाम बातें बताई जाएंगी मीडिया को। मेघा का मैं रुख कर लेती हूँ और मेघा क्योंकि इस वक्त वहां पर मौजूद है पांडव नगर जहां पर शव के टुकड़ों को फेंका गया था, वहां से क्या अपडेट है मेघा? जी सिर, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामलीला ग्राउंड में, बिल्कुल पांडव नगर पुलिस स्टेशन के ठीक सामने। मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाती हूँ। तो ये वही ग्राउंड है जहाँ पे शव के टुकड़ों को डंप किया गया था, फेंका गया था जून के महीने में और यहीं से पुलिस को वो टुकड़े मिले थे उस महीने में। मैंने उस जो घर है त्रिलोकपुरी में उनका जो मकान है वहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय किया और पैदल हम यहाँ तक आए हैं और हमें मात्र 4 से 5 मिनट का वक्त लगा यहाँ तक पहुँचने में, जो कि इस वक्त दिन का समय है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, आबादी है, लोग बिल्कुल रोड पे हैं, सड़क पे, उसके बावजूद हमें 4 से 5 मिनट का समय लगा। यानी कि मात्र 500 मीटर के फासले पे ये जो ग्राउंड है इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, काफ़ी आसानी से कुछ भी लेकर के यहाँ फेंकने या डंप किए जाना, मतलब आना पॉसिबल है, क्योंकि आसपास के जो मोहल्ले वाले लोग थे उन्होंने भी यही जानकारी दी कि कई बार जब MCD की सड़कें लेट होती थी या उनको कूड़ा फेंकना होता था वो अक्सर इस ग्राउंड का प्रयोग करते थे। तो किसी को शक भी नहीं होगा जब आप एक प्लास्टिक लेके इस तरीके का ग्राउंड का प्रयोग करते हैं। मैं एक बार तस्वीरें उस तरफ दिखाती हूँ, अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगी दिखाएं, तो वहाँ आपको नज़र आएगा कि उस तरफ भी आपको कूड़े का छोटा छोटा पहाड़ नजर आएगा। सामने की एक बार आप तस्वीरें देखिए तो आपको मवेशी नजर आएंगे। आप थोड़ा पीछे जाते हैं जैसे कि हमने देखा तो वहां भी आपको कूड़ा नजर आता है, यानी कि पूरा ग्राउंड एक बार देखा जाए तो हर तरफ कूड़ा फैला हुआ है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।